रुक यहीं भी रुक भाई, ज्यादा ही खून निकला हुआ है इसके तो। ये देखो यार कितना डैमेज हुआ है ये पूरा। ये देखो इसमें ऐसे लीक हो रहा है पूरा, ये नीचे से देखो पूरा लीक हो रहा है इसमें। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग निकल रहे हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम, वहां पे जाना है हमें। योगेश की गाड़ी ठीक करानी है उसकी, उसके इंजन की सील में कुछ दिक्कत आ रही है, वो ज्यादा चलने की वजह से पूरी लीक हो गई थी, तो वो ठीक करवानी है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे अपनी कार देखने, कार कितनी ठीक हुई है, अगर वो सही हो गई हो तो उसको लेके आएंगे, या उसमें एक दो दिन और लगेंगे पता चलेगा वहां जाने के बाद। अब आपसे मिलते हैं सीधे मोटे ब्लॉग में। दोस्तों ये है वो स्टैंडर्ड जिसके इंजन की सील लीक हो गई है, अभी वहाँ जा रहे हैं इसको चेक कराएंगे। इसमें दो तीन दिक्कतें आ रही हैं, एक तो इसकी ये इंजन सील लीक हो गई, ऑयल लीक हो रहा है, और मीटर 60-70 के ऊपर जाने के बाद वो पूरा जो स्पीड शो करता है वो पूरा हिल रहा है, एग्जैक्ट स्पीड शो ही नहीं कर रहा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं वो दिखानी है, उसके बाद कार भी देखनी है उसमें कितना काम हुआ है। इसका साउंड सुनो यार, ये मैंने इसमें के इंदौरी लगवा रखा है, इसका साउंड सुनो एक बार, क्या गजब साउंड है इसका यार, इसका साउंड मतलब कि कानों में भी नहीं चुभता, और इतना तेज भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मोटी आवाज़ आती है। के इंदौरी साइलेंसर लगवा रखा है मैंने इसमें। अजमेर में चल रहा है पूरा रोड का काम, ये मेन रोड है बस स्टैंड से राजा साइकिल की, इस पर पूरी पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक साइड से तो पूरी रोड का काम हो गया। ये देखो भाई फोटो शूट कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके, अब सामने है बस स्टैंड चौराहा, वहाँ पे हैं पुलिस वाले, साइलेंसर देख के गाड़ी रोकेंगे या नहीं यार देखते हैं, इसको मैं इसलिए लेके नहीं निकलता। थोड़ी देर साइलेंट कर लेते हैं इसको, बिल्कुल धीरे धीरे लाइट साउंड में चलाएंगे इसको थोड़ी सी देर, अभी एकदम से रेस देके इसको निकाल लेंगे। है ही नहीं पुलिस वाला, एक है वो यहाँ पे, चलो ये एक ही है, नहीं रोकेंगे आज तो गाड़ी, निकलते हैं सीधा। ये आ गए हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम, करते हैं शाहिद भैया से बात, एक बार शाहिद भैया को दिखा देते हैं क्या दिक्कत है इसमें, फिर चलते हैं अपन। ये देखो इसमें ऐसे लीक हो रहा है पूरा, ये नीचे से देखो पूरा लीक हो रहा है इसमें, और मीटर की मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। देखो यार शाहिद भैया, ये देखो वो नहीं है, नहीं है ये जो आती ना उसके बाद, ये देखो के चल गया। तो ये यहाँ पे वहाँ कैसे चली गई यार, वहाँ से कहीं से लीक नहीं है, लीक होता ना तो बेक है ना पूरा निकल जाता है, ये जैसे ये सीलन आ रही है ना देखो, ये सीलन है ना, ये फिर इस पे क्या ऑयल नहीं है, आप देखो ये मिट्टी है पूरी, डस्ट है ये। तो ये वहाँ पे कैसे पहुँचा है? अरे यहाँ काफी सारा इकट्ठा हो रखा था ये इस जगह जो है ना, हमें यही तो, अब देखो मेरी बात, यही तो आपको कह रहा हूँ सीलन है ये, देखो ये सीलन आती है ना फिर उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है ना, चिपचिपी सीलन, ये देखो सब जगह, ये देखो सीलन ही है, अब इसके ऊपर मिट्टी लग गई ना तो अपने को ऐसा लग रहा है ऑयल लीक है। ये देखो जहाँ जहाँ ना पैकिंग आती है ना वहाँ सीलन आती है, इस सीलन पे जब मिट्टी लगती है ना तो अपने को ऐसा लगता है कि ना वो लीक हो रहा है। ये पूरा ऑयल का ही है नीचे। आप एक काम करो, आपकी तसल्ली के लिए फिर भी अपन एक बार है ना मीटर की वीडियो पड़ी है ना, दिखा देना, लेके चल इसको पीछे, लचा भी दे लेके चलो, भैया से फॉर्म भरवा लें फिर अपन इसको पीछे लेके चलते हैं। भैया शायद भी आ गए पीछे। ये देखो यहाँ पे सब ने कुछ ना कुछ मॉडिफाई करवा रखा है, ये देखो इनके नंबर देखो, मॉडिफिकेशन इसके नंबर देख, इसमें देख ये वर्ल्ड मैप बनवा रखा है, खराब हो गया पूरा एडवेंचर एडवेंचर। इधर इधर तो किसी ने इसे चाबी से करा, देख उस पे देखना कितना स्पीड है, ब्लैक वाली वो तो रैप लग रही है, लेमिनेशन है, लेमिनेशन है, लेमिनेशन है, ये देख
रेडियम लग रहा है बे। नहीं रेडियम तो नहीं, या तो रैप है। ये देख इधर, ये देख जॉइंट आ रहा सब में ही है, ये तो ये देखना। लेकिन ये रैप है या लेमिनेशन है। ये अनिश भी अपनी गाड़ी लेके अंदर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अपनी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। अभी तो ली थी अपन ने, यार इसमें तो टाइम लगेगा। कल सुबह की अपॉइंटमेंट बुक कराइए इसमें। अब एक बार कार और देख लेते हैं उसमें कितना काम हुआ है। दोनों पास पास ही हैं बिल्कुल। ये देखो यार कितना डैमेज हुआ है ये पूरा, इधर से लेके वहाँ तक के दोनों हैंडल चेंज हुए हैं। ये वाला हैंडल चेंज हुआ है, उसको तो रिपेयर करने की कोशिश करी है भैया ने। कल मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रखा था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो भी शूट किया था चंदू भाई और अभि भाई ने किया था। अब करते हैं इसको ठीक। शायद मेरे को लग रहा है अभी एक दो दिन और लगेंगे इसमें, फिर दिखाता हूँ आपको क्या होता है गाड़ी में, कितना क्या दिखता है। अगर बिल्कुल सही रहती है तो अच्छा है यार, मेरे को बस गाड़ी मेरी बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अभी अपन ने ये कार का माउंट मंगवाया था, कार यहाँ खड़ी है तो चेक कर लेते हैं सही है ना, नहीं तो इसको रिटर्न करवाएंगे, दूसरा मंगवाएंगे। ये देखो यार कार की हालत देख के दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। ये अपनी कार अंदर से पूरी, ये चेक करना था अपन को मेन। लग गया भाई एकदम सही है ये, एकदम परफेक्ट, कहीं नहीं जाएगा इसमें कैमरा अपना। सही लग रहा है ना, एकदम बढ़िया एकदम मस्त। चेक कर लेते हैं कैमरे से एंगल भी वगैरह, फिर इसको एक बार परमानेंटली लगा देते हैं अपन। वो जा रही अपनी मिट्टी और ये अभि भाई की, और ये हमारे चांदू भाई। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, वो थोड़ा हमारा जो डॉगी है टाइगर उसके कुछ एलर्जी हो गई है, हॉस्पिटल जाके आना उसको लेके, उसके बाद देखते हैं। आई होप ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उसके। ये ऐसे दिखती है अपनी मिट्टी और पूरी, भागने में एक नंबर गाड़ी है और चलाने में तो बिल्कुल रिलैक्स गाड़ी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलाते हैं इस पर। हम अभी जयपुर खाटू श्याम जी जाके आए, बिल्कुल ऐसे थकान वकान कुछ महसूस नहीं हुई, आराम से गए आ गए। फिर कल वहाँ से आने के बाद पूरे दिन भर लोग तो क्या किया यार, कल वैसे दिमाग ख़राब हो गया था देख के। एक वो कल R15 चला रहे थे, एक अपने चंदू भाई चलाते हैं 140 145 की स्पीड पे, उनसे 100 की स्पीड पे नहीं चल रही थी गाड़ी। क्या मतलब R1 लेने का, R1 लिए तो उसको भगाओ हाईवे पे। क्या लगता है पुलिस वाले होंगे, अगर हुए तो गाड़ी रोकेंगे। थोड़ा बिल्कुल साइलेंट करके निकालते हैं यहाँ पे। नहीं है, निकलो जल्दी निकलो भैया। अरे रे 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 वकील साहब, भाई गाड़ी देखो यार, अलग ही लगती हैं यार ये गाड़ियाँ, बिल्कुल अलग है दिखने में ही। इतने सालों बाद यहाँ पे रोड बन रही है, अगले साल इलेक्शन है जी। टाइगर क्या हो गया, अबे हाथ दिखा इधर। टाइगर है टाइगर इधर आ, रुक कहीं भी रुक भाई, ज्यादा ही खून निकला हुआ है इसके तो। अरे वो निकल रहा है, पस। अरे यार अभी हम जा रहे हैं टाइगर को लेके हॉस्पिटल। आ भी मत जाना, नहीं तुमको तो कर देगा सीधा। फिसल रहा है
एक हाथ यहाँ डाल ले, एक ऐसे ऐसे पकड़ ले। मैं काटता चूतिया पत्ता भर लेगा तो खाने में ये तो दिक्कत है, तो खा लेता हूँ। अरे कोई जाली वाला गिलास वैसे नहीं है क्या, साबुनदानी जिसमें अपन ब्रश वगैरह रखते हैं, पड़ी है क्या कोई? ओए हैं, इसके मुंह पे लगा ले, वो कोई खराब साबुन वो पड़ी हो ना, अपन ब्रश वगैरह रखते हैं वही है अब लास्ट ऑप्शन, और तो कुछ नहीं है। आजा 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 आजा, खड़ा हो प्यार से बैठ जा टाइगर, नहीं मत कर, चुप। बैठ गया, टाइगर को ले जाने की बहुत कोशिश की पर वो माना ही नहीं। अब जा रहे हैं हम खुद ही दवाई लेके आते हैं, घर पर ही लगाएंगे उसके दवाई। अभी मैं चला रहा हूँ अभी भाई की स्प्लेंडर, बहुत टाइम हो गया था स्प्लेंडर चलाए हुए, आज स्प्लेंडर चला रहे हैं अपन। आई होप यहाँ पे मिल जाए दवाइयाँ। भैया देख तो रहे हैं, शायद मिल जाएगी। ये अपने अभी भाई और उधर चंदू भाई, चांदू भाई, दवाई मिल गई है। हम निकलते हैं यहाँ से सीधा घर पर। स्प्लेंडर चलाने का अलग ही मज़ा है यार, मज़ा आता है स्प्लेंडर चलाने में, एक नंबर चल रही है। लोग गोप्रो को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया उन्होंने हेलमेट पे। इतने जने तो मुझसे पूछ चुके हैं भैया ये किस काम आता है, क्या करते हैं इससे। एक जने को मैंने बोला भाई इसमें वीडियो बनती है, तो बोला अच्छा इसमें वीडियो बनती है, आपके घर वाले देख लेते होंगे आप कहाँ कहाँ जाते हो। उन्होंने ऐसे लाइव नहीं दिखाता, हम है ना अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, वहाँ से सब देख सकते हैं। तो बोला अच्छा ऐसा है क्या, मैं सोचा कि लाइव लोकेशन आप मतलब लाइव आपके घर वाले देखते हैं आप कहाँ कहाँ जा रहे हो क्या क्या कर रहे हो। अभी टाइगर की दवाई तो मिल गई है, वो घर ला के रख दी, अब शाम को भैया ही लगाएंगे। वो भैया भी थोड़ा काम से गए हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं वो ईगल बनवाने। उसने बोला था 3-4 दिन बाद आ जाना, 3-4 दिन हो गए वहीं जाते हैं। वो नहीं भी हुआ तो हेलमेट पे नाम लिखवाना है, वो लिखवा लेंगे। ये अंधेरी पुलिया बोलते हैं इसको, काफ़ी पुरानी पुलिया है, यहाँ का नाम ही अंधेरी पुलिया पड़ गया। अब यार लाइट वाइट जला लेता हूँ मैं, भाई वाइजर खोल लूँ ज़्यादा फायदे में रहूँगा। वाइजर खोल लिया मैंने भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा था इसमें। थोड़ी सी भगा के देखते हैं इसको, भगाने से पहले ही ब्रेकर आ गया। अरे यार अब तो जाना ही इधर अपन को, देखते हैं इसमें जगह है क्या थोड़ी बहुत भगाने की। हाईवे पर ही जाना पड़ता देखे मेरे को लग रहा है इसको भगाने के लिए। अब अपन दुकान ही पहुंच गए। मशीन ठीक हो गई भैया? ईगल बनवाना था, आया था मैं आपके पास, दिखाया था मैंने यार आपको, वो क्यों नहीं बनेगा आपने? बहुत बारीक है भैया वो मशीन, नहीं उसके लिए ब्लेड आएगी नई,
वॉचिंग नहीं है अभी। कब तक आएगी यार? आपने 3-4 दिन बोले थे। अभी तो मुश्किल है, बोला था मगर अभी नहीं हो पाएगी। वह नाम तो लिख दोगे हेलमेट पे खुद का? वो ये देखो नाम गाड़ी के पीछे, अभी वहाँ बैठ के आपको हेलमेट पे भी दिखाता हूँ मैं नाम। ये देखो गाइस, अभी हेलमेट पे ये नाम लिखवाया अपन ने, बहुत बढ़िया लग रहा है ये हेलमेट पे चैनल का नाम। शाम हम लोग निकल रहे हैं CSB से, आज लेट हो गए वापस, दोस्तों के साथ बैठ गया था और इनको कोई वीडियो वगैरह एडिट करने थे चंदू रवि भाई को, तो वो एडिट करने लग गए थे। अब निकलते हैं घर के लिए, पहले जाऊंगा मैं मंथन के घर पे, वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वगैरह का काम है, दिवाली आ रही है इसलिए लाइटिंग करवानी है घर में, तो उसने लगा ली थी काफ़ी, तो बाकी अब बची हुई है वो उसके साथ में लगवा देता हूँ उसको, फिर 1-2 दिन पे मेरे घर में भी लगवानी है और साथ आएगा मेरे, लगा देंगे दोनों जने मिल के। आज लगाई है ये लाइटें यहाँ वहाँ से लेके यहाँ तक और इधर भी थोड़ी सी हैं, बाकी की बची हुई इधर की कल लगाएंगे। देख लो आप लाइटें पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, ये इधर 3-4 लगाई हैं, बाकी की आगे की कल लगाएंगे, आज बहुत लेट हो गई। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।